ऑल और हम लोग सीखते हैं आज अबव का यूज एज ए प्रीपोजिशन विद द हेल्प ऑफ मल्टी एग्जांपल्स राइट। हाँ तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं हायर देन, इसमें एग्जाम्पल जो फर्स्ट है आपका द स्काई इज अबव आवर हेड, जो आसमान है वो हमारे सर के ऊपर है। यह हम ओवर का भी यूज कर सकते हैं राइट। हाँ बट बेसिकली नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जो प्लेन है वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहा था। माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स अबव सी लेवल्स, तो यहाँ पे एक लेवल को इंडिकेट करता है कि जो है सी लेवल से माउंट एवरेस्ट इतने मीटर की ऊंचाई पर है। द मिरर इज अबव द सिंक, राइट, जो मिरर है वो सिंक के ऊपर लगा हुआ है, सिंक है और इसके ऊपर आपका यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं, द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग अबव द बिल्डिंग, जो हेलीकॉप्टर है वो बिल्डिंग के ऊपर चक्कर काट रहा था राइट। आई सॉ स्मोक अबव ट्रीज, हमने पेड़ के ऊपर, पेड़ों के ऊपर धुआं देखा, स्मोक देखा। नेक्स्ट यूज देखते हैं, इसी में हायर पोजीशन के लिए आ जाता है, रैंक के लिए भी यूज करते हैं हायर देन में। अ मेजर इज अबव कैप्टन, मतलब एक जो मेजर की पोस्ट होती है वो कैप्टन के ऊपर की होती है, हायर पोजीशन होती है। हेल्थ इज अबव वेल्थ, यहाँ पे बेटर देन का सेंस दिया गया है, वैल्यू का सेंस भी दिया गया है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हेल्थ से बढ़ कर के है। यू आर नॉट अबव लॉ, आप कानून से ऊपर नहीं हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस से हम अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छी कर सकते हैं राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स को जब हम रीड करते हैं ये उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और बहुत सारे नए सेंटेंस बनाने का अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज़। नेक्स्ट एग्जांपल है द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान है वो 30 डिग्री के अबव है राइट। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है मोर देन में हम यूज, जैसे हम ओवर का यूज करते हैं मोर देन के सेंस में, उसी तरीके से यहाँ पे हम अबव के लिए यूज करते हैं। द ओल्ड मैन इज अबव 95, यहाँ पे हम द ओल्ड मैन इज ओवर 95 भी बोल सकते हैं। दे डिड नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रेन अबव द एज ऑफ 11, उन्होंने 11 ईयर्स के ऊपर के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया। अबव 600 पीपल वर देयर, 600 लोगों से अधिक वहाँ, 600 से अधिक लोग वहाँ थे। यहाँ पे हम ओवर का भी यूज। अगला है वो है बियॉन्ड, इसका मीन्स ये होता है कि मतलब जो आपका संदेश से परे हो, जिस पर डाउट ना किया जा सके। जैसे हम कह सकते हैं ही इज अबव सस्पिशन, मतलब उस पर शक नहीं किया जा सकता है, वो इसके अबव है। आई एम अबव टेलिंग लाइज, मतलब मैं इन सब झूठ बोलने से अबव हूं, मतलब मुझ पर शक नहीं किया जा सकता है झूठ बोलने का। ही इज अबव डिसीविंग अदर्स, मतलब वो दूसरों को ठग नहीं सकता है, ऐसा
राइट, इज अबव डिसीविंग अदर्स, तो इट इज बियॉन्ड स्पेशली फॉर हिम इन दिस सेंटेंस, राइट। तो इस तरीके से हमने अबव की जिसको समझा है, राइट।